अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो हम आए हुए थे मॉर्निंग के टाइम डॉक्टर के यहाँ, जो कि मैंने शेयर भी किया था आपसे एक बार। नेक के पेन के लिए मैं यहाँ से मेडिसिन वगैरह ले रही हूँ और एक्यूप्रेशर वाले डॉक्टर हैं वो, तो एक्सरसाइज वगैरह मुझे करानी होती है यहाँ पर। तो मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही थी फिर से, तो मैं यहाँ आई हुई थी। और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है और फ्लावर्स वगैरह भी लगे हुए थे काफ़ी प्यारे प्यारे, जो कि मेरे बेटे को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। छोटा सा गार्डन बना हुआ था यहाँ पर, बहुत ही प्यारा सा, साफ सुथरा एकदम। अभी कुछ टाइम था मेरा नंबर आने के लिए, अभी बहुत सारे पेशेंट बैठे हुए थे वहाँ पर, तो इसलिए हम बाहर आ गए थे कुछ देर के लिए। तो ये मेरा बेटा यहाँ पर प्लांट्स वगैरह देख रहा है। और हम यहाँ मॉर्निंग में ही आ गए थे, इसलिए अभी ज़्यादा धूप नहीं है, वरना धूप आ जाती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है फिर। और डॉक्टर के केबिन से बाहर आने के बाद एक साइड पर गार्डन है बहुत प्यारा सा, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा बाहर की साइड में। और इधर की साइड में ये था मैरिज होम, जहाँ पर कभी कभी हम अगर आते हैं तो यहाँ पर शादियाँ वगैरह भी होती रहती हैं। और काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर ग्रीनरी थी और फ्लावर्स भी काफ़ी खूबसूरत आ रहे थे, ये देखें कितने प्यारे खिल रहे थे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और काफ़ी अच्छी ग्रीनरी है यहाँ पर और कटिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी की हुई है इन्होंने प्लांट्स वगैरह की, ये देखें काफ़ी दूर दूर तक ग्रीनरी है। यहाँ पर जो ये क्लिनिक है डॉक्टर का, तो वो होम्योपैथिक वाले यहाँ पर एक डॉक्टर बैठते हैं और एक डॉक्टर यहाँ पर एक्यूप्रेशर वाले मिलते हैं। जैसे जिनको सर्वाइकल वगैरह की प्रॉब्लम है, इश्यू है, तो वो एक्यूप्रेशर वालों के पास भी जाते हैं पेशेंट। आजकल सर्वाइकल भी काफ़ी बढ़ गया है, तो सर्वाइकल के पेशेंट भी काफ़ी सारे बैठे हुए होते हैं। और क्लिनिक के जस्ट बाहर यहाँ पर छोटा सा ये गार्डन बना हुआ है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा। अगर हमारा नंबर आने के लिए कुछ वक्त रहता है, कुछ टाइम लगता है हमें, तो हम यहाँ बाहर आ जाते हैं, जहाँ काफ़ी अच्छा फील होता है ग्रीनरी को देख के। और उसके बाद हम आ गए थे घर पे और फिर मैंने बनाई थी मैगी, जो कि हम डी मार्ट से पैकेट लेकर आए थे। काफ़ी टाइम हो गया डी मार्ट गए हुए और थोड़ी थोड़ी शॉपिंग हमने की है बीच बीच में हम गए थे, बट एक साथ सामान इकट्ठा नहीं लेकर आए हैं काफ़ी सारा। जो सामान ख़त्म हो जाता है वही उसी की मैं लिस्ट बना लेती हूँ, बट अब जाऊँगी मैं इंशाल्लाह, क्योंकि अभी काफ़ी सारा लिस्ट तैयार हो गई है डी मार्ट के लिए, सामान के लिए, ग्रॉसरी आइटम्स के लिए काफ़ी सारा सामान लिस्ट में आ गया है मेरी। तो ये मैगी का एक पैकेट पड़ा हुआ था, जो कि मैं मैदा की चीज़ें कम बनाती हूँ, अवॉइड करती हूँ मैदा की चीज़ों को, बट आज मैंने बना लिया था। आटा मैगी मैंने वहाँ पे कोशिश की थी ढूंढने की, बट आटा मैगी मुझे नहीं मिला डी मार्ट में इस बार। आटा मैगी मोस्टली ऑफ़र पे, अच्छे ऑफ़र पे ही वहाँ पे डी मार्ट में मिल जाता है, बट इस बार मुझे नहीं मिला, तो मैंने ये मैदा वाली ही मैगी ले लिया था और मैं इसे लंच में बना रही थी। पैन में ऑयल डालकर मैंने प्याज और हरी मिर्च ब्राउन कर दी थी, लाइट ब्राउन, और उसके बाद में मैंने पानी डाला था और ऊपर से फिर मैंने इसमें पाउडर ऐड किया था, जो कि मैगी के साथ आता है मैगी मसाला। इस टाइम मेरे पास कोई मैगी में डालने के लिए वेजीज नहीं थी, और वेजीज भी मैं डाल लेती हूँ ज़्यादातर, मुझे मटर भी बहुत ज़्यादा पसंद है मैगी में डालना, बट अभी तो फ़िलहाल मेरे पास मटर भी नहीं थे, तो मैंने ऐसे ही सिंपल मैगी बना दिया है। कैबेज भी आप डाल सकते हो, कैरेट भी आप डाल सकते हो, कोई भी सब्ज़ी अवेलेबल होती है वो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, कैप्सिकम वगैरह, बट मेरे पास इस टाइम कोई सब्ज़ी इस तरह की थी नहीं, तो मैंने इसी तरह से बना दिया उसको टमाटो वगैरह डाल के।
टमाटर डाले थे मैंने काफ़ी सारे, चॉप करके अच्छे से फ्राई करके उनको, तब मैंने ऐड किया था इसमें। मैगी, नूडल्स, चाउमीन, मैक्रोनी मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाती हूँ, कम ही बनाती हूँ मैं ये चीज़ें। और मेरी मैगी बनकर हो गई है रेडी। और ये देखिए कितना प्यारा इसका कलर आया है। थोड़ा सा हल्दी भी मैं इसमें ऐड करती हूँ, जब मैं प्याज वगैरह अपने जो भी स्पाइसेस में इसमें ऐड करती हूँ तो तभी मैं इसको भून लेती हूँ हल्दी डाल के। थोड़ा सा हल्दी मैं ज़रूर ऐड करती हूँ, बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है इससे। और मैगी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी बनकर रेडी हुई है, ज़्यादा स्पाइसी मैं नहीं बनाती हूँ। भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी क्योंकि हम मॉर्निंग में ही चले गए थे डॉक्टर के यहाँ और हमने ज़्यादा हैवी नाश्ता नहीं किया था, हल्का सा हमने नाश्ता किया था, दूध के साथ टोस्ट खाए थे हमने और फिर हम चले गए थे डॉक्टर के यहाँ। और जब भी मैं मैगी बनाती हूँ और उसमें बहुत सारा देसी घी ऊपर से ज़रूर डालती हूँ मैं, मेरे हस्बैंड को, मुझे और मेरे बेटे को इस तरह से मैगी खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मैगी के ऊपर देसी घी इस तरह से डाल के अगर खाते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। और अगर आपने पहले से ही ट्राई किया हुआ है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मुझे। अब हो रहा था शाम का टाइम, मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे साइड पर से, वो हमें डॉक्टर के यहाँ से आने के बाद, हमें घर छोड़ने के बाद वो साइड पर चले गए थे और फिर वो अब आ गए हैं। शाम का टाइम हो रहा था और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है ये बेल का शरबत, तो उन्होंने ये बनाया था अपने लिए। क्यूब्स वगैरह देखे उन्होंने डाली हुई हैं काफ़ी सारी। मैं खाने की तैयारी कर चुकी थी, रायता मैंने बना लिया था, ये मैंने एक साइड पर आलू का बैटर बना के रखा था पराठों के लिए, तो मुझे बनाने थे आलू के पराठे इसलिए मैंने बैटर भी रेडी करके रखा था और रायता भी पराठों के साथ के लिए, पराठों से हमें खाना था। तो इसको अभी मैंने कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दिया है, मुझे अभी आटा गूंदना था। और ये मैंने चटनी भून के रखी है, फ्राई करके रखी है, कश्मीरी लाल मिर्च की चटनी थी ये, ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है। और ये आलू के पराठे हमने बना लिए हैं और मेरे हस्बैंड ने खाए थे इनको मुरब्बे के साथ, जो कि मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर की है। और ये मैं पी रही हूँ शरबत, और ये बेल का शरबत जो बहुत ही प्यार से मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए बनाया है। मुझे एक्चुअली में ये पसंद तो नहीं है, मुझे सिंपल ऐसे ही बेल खाना पसंद है, बट इतने प्यार से बनाया है तो वाई नॉट। कहते इसके बाद खाना, अब ये नेक्स्ट डे का मैंने वीडियो बनाया था और नेक्स्ट डे के व्लॉग में मैं बना रही थी चने की दाल वाले चावल, जो कि मैंने आधा घंटे के लिए सोक करके, अच्छी तरह से धोने के बाद सोक करके रख दिए थे चावल को, जो कि बासमती चावल मैं बनाती हूँ। और ये मैंने पानी को बॉईल ले लिया था अच्छे से इसमें चने की दाल डालने के बाद, और उसके बाद में कुछ देर के लिए मैं इसे खुला ऐसे ही छोड़ के पकाऊंगी, अच्छे से मैंने मिक्स कर देना है। यहाँ पे मैंने नमक भी डाल लिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग, और ये मिर्ची को मैंने इस तरह से कट करके डाला है, मैंने इसमें रेड चिली पाउडर नहीं डाला है, तो मैंने इस तरह से मिर्च को कट करके डाला है हरी मिर्ची को। उसके बाद मैं बनाने लगी थी टमाटर की चटनी चावल के साथ खाने के लिए, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखें चटनी मेरी रेडी हो चुकी है, और मैंने दही भी बनाया था, तो दही भी मुझे चावल के साथ बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा कि चावल के साथ हम दही ज़रूर लेते हैं। जितनी देर में चावल मेरे पक रहे हैं उतनी देर में मैं जाके देखूंगी मेरे बेटे को, जिसको मैं उसका वर्क देकर आई थी निकाल के, तो देकर तो मैं आई थी दूसरी वाली बुक और वो ड्राइंग वाली बुक लेकर ड्राइंग करने लगा है, शेडिंग करने लगा था, उसको ड्राइंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखें बहुत सारा वर्क दिया हुआ था, हॉलीडे वाला वर्क काफ़ी सारा दे रखा था और उसने काफ़ी सारा कर भी लिया है।
तो अभी मैंने जाकर देखा तो वो ड्राइंग की बुक निकाल कर कलर फिल कर रहा था। तो ये बास्केट थी जो कि थोड़ी सी रह गई थी, फ्रूट बास्केट, उसको उसे कलर करना था। तो ये भी हो जाएगी कंप्लीट। और मैंने मशीन निकाल कर रखी थी, मुझे एक सूट सिलना था और साथ में मैं खाना भी बना रही थी। और ये था मेरे बेटे का टेबल जो कि मैं निकाल कर गई थी उसकी बुक्स, बट वो कलर करने लगा है। बट कोई बात नहीं, कुछ तो करते रहना चाहिए बच्चों को, ऐसे शैतानी करने से अच्छा है वो थोड़ा कुछ वर्क कर ही रहा है, थोड़ा वर्क कम ही हो रहा है उसका हॉलीडे वाला। और मैं ये जरदई रंग को घोलने लगी हूँ, चावल मेरे पककर हो गए थे रेडी, मैंने जरदई का कलर घोल लिया है थोड़ा सा। और ये एक ट्रे में मैंने थोड़ी सी प्याज कट की थी, दही मैंने एक बाउल में निकाल ली थी और एक बाउल में मैंने चटनी रख दिया है और खाना खाने के लिए रेडी हो गया था खाना, चावल बनके रेडी हो गए थे। मैंने थोड़े से बर्तन ये सिंक में पड़े हुए थे तो मैंने सोचा पहले इन्हें वॉश कर देती हूँ अच्छे से, फिर खाना खाऊंगी तसल्ली से। तो अभी थोड़े से ये बर्तन थे तो इनको मैंने वॉश कर दिया है, ये देखें। उसके बाद में प्लेट मैंने ले ली है और मुझे थोड़ा आदत है कि अगर बर्तन धुले हुए भी हैं तो एक बार मैं हल्का सा पानी से साफ करके उसे लेती हूँ यूज़ में। और ये देखें चावल कितने प्यारे खिले खिले बनकर रेडी हुए हैं, ऊपर से मैंने जर्दी का कलर डाला है इसमें ऑरेंज कलर, जिससे इसका लुक और भी ज़्यादा प्यारा आ जाता है। ये देखें एकदम खिले खिले चावल हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगते हैं, इनका जायका भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और ये कंप्लीट हो गई है शेडिंग कैटल की, ये मैं चेक करने आई थी, बुलाया था मेरे बेटे ने अंदर रूम में मुझे, तो कंप्लीट कर चुका है। अब हम खाएंगे खाना। और बच्चों को इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि वो कपड़े पहनने के लिए रेडी ही नहीं। और मेरे पास भी इसी तरह से एक सूट है जो कि मैं बहुत ज़्यादा पहनती हूँ, मेरा मन करता है मैं वही सूट पहने रखूँ। एक ऑरेंज कलर का मेरा सूट है जो बहुत ही ज़्यादा, उसका कपड़ा बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा कंफर्ट लगता है मुझे उसमें। तो मेरा मन करता है मैं उसी को वॉश करूँ, उसी को पहन लूँ। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इसलिए ज़्यादा कपड़े हैवी पहने ही नहीं जा रहे हैं। और अब मैंने खाना रख लिया था दस्तरखान पे, आ जाएं आप सभी भी खाना खा लें। अगर आज का ये छोटा सा ब्लॉग मेरा आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कमेंट आप नहीं करते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।